परवल के पौधे लगाने की तीन विधियों में से पहली विधि है समतल विधि। परवल की नई फसल लगाने के लिए 2-3 गहरी जुताई करके खेत को कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दें। इसके बाद फिर से 3-4 बार हल्की जुताई करके पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। इसके अलावा समतल विधि में कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी 2 मीटर रखा जाता है। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर 2500 पौधे लगाए जा सकते हैं। समतल विधि में नालियों और उपनालियों की समुचित व्यवस्था भी रखी जाती है ताकि सिंचाई और जल निकास में कठिनाई उत्पन्न ना हो। इस विधि में पौधों को समतल भूमि में बढ़ने दिया जाता है। उपज के दृष्टिकोण से इस विधि को कम कारगर माना गया है, फिर भी आप अपनी भूमि और सुविधा को देखते हुए इस विधि को अपना सकते हैं। रोपाई की दूसरी विधि है मचान विधि। इस विधि में भी कतार से कतार और पौध से पौध के बीच की दूरी 2 मीटर ही रखा गया है, लेकिन पौधों की बढ़वार के लिए इस विधि में मचान बना दिया जाता है। आपको बता दें कि इस विधि में उत्पादन अधिक होता है। रोपाई की तीसरी और सबसे कारगर विधि है बांस विधि। इस विधि में परवल की फलत और पैदावार काफी बढ़ जाती है। दरअसल इस विधि में 1.5 यानी 1.5 मीटर चौड़ी उथली शैया बनाई जाती है और 2 शैयों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर गहरी 1 मीटर चौड़ी नालियां बनाते हैं। इस विधि में पौध से पौध की दूरी 1.25 मीटर रखते हैं। इस प्रकार इस विधि में प्रति हेक्टेयर 6,000 से लेकर 7,000 पौधे तक लगाया जा सकता है। प्रत्येक पौध के पास 3 मीटर लंबा एक बांस या लोहे का खंभा गाड़ दें। बढ़ती हुई परवल की पौध को बांस की शाखाओं के सहारे ऊपर चढ़ा देते हैं, या बांस की जगह अगर आप लोहे की छड़ को प्रयोग में लाते हैं तो एक छड़ से दूसरे छड़ के बीच तार को बांध दें ताकि शाखाएं तार के सहारे फैल सके।